व्हाट्सअप पर एनर्मी है, यूपी का जो एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो, खरी है ब्लैक रेडर, टीवीएस रेडर, जो कि काफी डिमांड में भी चल रही है और बहुत सारे लोगों की पसंद बन रही है। भाई अपाची छोड़ के लोग रेडर पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो गाइस, मैंने ये परचेस किया था जनवरी 12 को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तीन महीने हो गए। और इस बीच में एक सर्विस इसकी हो चुकी है, जो कि मेरे को टोटल कॉस्ट आई थी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास। और देख सकते हो कुछ ऐसी कंडीशन है गाड़ी की। भाई ब्लैक कलर तो जानते हो, मेरी फेवरेट है। इस तरह का इसका ओवरव्यू, मैं भाई स्पेशल मैं कोई बाइक रिव्यूअर नहीं हूँ, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फुल्ली ब्लैक कलर में है और काफी बवाल लगता है भाई। रोड प्रेजेंस इसका बहुत जबरदस्त, लोग पलट पलट के देखते हैं। और ये सामने आपको DRL मिल जाता है इसका, दोनों पास नंबर प्लेट आ जाएगा, TVS का लोगो, और कुछ इस टाइप का मिल जाता है आपको इसका क्लस्टर, जो कि काफी बॉम लगता है भाई। फुल डिजिटल है, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, गियर से गियर कितने गियर में आप चल रहे हो, ये आपको मिल जाएगा, स्पीड लिमिट, ये RPM इंडिकेटर, एंड देन हेलमेट यार बहुत, और इस स्टैंड का मिल जाएगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें। और मतलब इतने कम प्राइस में इतने ज्यादा फीचर, मतलब TVS ने बवाली कर दिया भाई, भूकंप मचा दिया हुआ है। बैकलाइट इसे कुछ में कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन ये जो दिया है ना, इससे मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है लोग, क्योंकि इसके जगह पे दो ऐसे देते जैसे अपाची में ये लोग देते हैं, तो वो काफ़ी बॉम लगता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को, आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और इस साइड से आपको मिल जाता है ये सारी कवर, गियर शिफ्टिंग वन साइड, सो इसमें टोटल 5 गियर मिल जाता है। और यहाँ पे पासिंग की लाइट्स, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, ये सब काफी स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, मतलब ऐसा नहीं लगता। और आउटसाइड का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो हम लोग रोड के बीच में शूट कर रहे हैं और ये पूरा अंडरग्राउंड रोड है, इसलिए कुछ ज्यादा आवाज आ रहा होगा, सो आप इग्नोर करना। और इसमें आपको ब्रेक मिल जाता है, कॉम्बी ब्रेक देख सकते हो, बैक ब्रेक आप लगाते हो तो साथ में आपका आएगा ये ब्रेक लगता है। अब फाइनली मैं बताता हूँ कि मैंने जब बाइक लिया तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या लगाना पड़ा, जो कि मैंने एजेंसी से ही लगाया हुआ है। ये आप गियर लॉक लगा सकते हो, ये मैंने एजेंसी से ही लगाया है, ये मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ा इसका 200 रुपीज। और सीट कवर मैंने लगाया ये 400 का, और इसमें कवर आपको नहीं मिलता है, कवर भी लेना। अरे यार, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि भाई एजेंसी वाले कवर देते हैं या नहीं, तो नहीं देते भाई, मैंने खुद एजेंसी से ही परचेस किया, कवर नहीं मिलता है। ये आपको इंजन उतना ज्यादा हीट नहीं होता, बहुत कम हीट होता है। ये आपको रेडर का बैजिंग मिल जाएगा, इसमें TVS इंटीग्रेटर मिल जाता है, जो कि इसका फंक्शन क्या है कि आपका कहीं आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो और एक गियर में या फिर किसी भी गियर में गाड़ी बंद हो जाता है, तो आप क्लच छोड़ के फिर क्लच लेके और सिर्फ ये एक्सेलरेटर लोगे ना भाई, तो गाड़ी स्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, जो कि काफी अच्छा लगा मैंने। और चलाते टाइम बहुत हेल्प करता है ये, बहुत ट्रैफिक में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप चलाओगे लोगे फिर आपको पता चलेगा, इसका एक्सपीरियंस आप करोगे तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा वो हेल्प करता है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता सीटिंग पोजिशन, जस्ट लाइक मतलब जब बैठोगे ना आप गाड़ी पे तो बहुत जबरदस्त लगता है भाई। अगर आप भी ब्लैक लवर हो तो आप एक बात का ध्यान रखना, ये जो देख सकते हो आप, अभी से ही मेरे गाड़ी पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आने लग गए हैं, जो कि माइनर स्क्रैच है, बहुत ध्यान से देखने पे दिखते हैं, बट दिखते हैं तो गंदे लगते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है भाई, आप सिरेमिक कोटिंग, तो भाई जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सिरेमिक कोटिंग करा सकते हैं, वो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट जो अफोर्ड सिरेमिक कोटिंग नहीं करा सकते उनके लिए एक सोल्यूशन है भाई, आप जहाँ पे रैप होता है गाड़ियाँ वहाँ पे जाओ, उनको बोलो भाई मेरे को पतला वाला व्हाइट पन्नी को इस पे रैप कराना है। आप व्हाइट पन्नी इस पे रैप करा लोगे ना भाई, ये बहुत ज्यादा आपका सेफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा, और स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और आप सिरेमिक कोटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो, और ये इसका बैक सस्पेंशन, दो मोड मिल जाते हैं जो आपको, इको मोड और एक पावर मोड। इको मोड में आप अगर यूज करते हो ट्रैफिक में, अगर हो तो आप इको मोड में यूज करो, हाईवे पे जा रहे हो तो आप पावर मोड में यूज करो। सो इको मोड में और पावर मोड में बहुत फर्क आता है भाई, मैंने इको मोड में यूज किया है, मतलब उससे बहुत ज्यादा पावर आपको पावर मोड में मिलता है। जब पावर मोड में आप यूज करो ना तो जबरदस्त भागती है भाई। सो अभी का इसका आप लोग को एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। तो आप अगर इसे स्टार्ट करते हो तो ये एक्सेलरेटर लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको प्रेस करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा।
जिससे थोड़ा सा डिफरेंस आवाज है इसका और काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में, बाय।